भर्ती परीक्षा क्या था भर्ती परीक्षा परीक्षा तिथि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आरपीएससी मुर्दाबाद आरपीएससी मुर्दाबाद आरपीएससी की तैनात चाहिए नहीं चलेगी नहीं चलेगी उप्रति मुर्दाबाद उप्रति मुर्दाबाद ओके एक दे दो आप ठीक ठीक मेरा नाम वंदना शर्मा है और हम सभी यहाँ पर व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के आंदोलन के रूप में एकत्रित हुए जो कि जयपुर में चल रहा है राम सिख समूहता के नेतृत्व में और वो पिछले 5 दिनों से 10 दिनों से ये व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि को आगे करने के मामले में आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है चाहे वो बीजेपी की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी। आज युवा वर्ग पूरा परेशान हो रहा है पिछले 10 दिनों से ना हम परीक्षा की पढ़ाई कर पा रहे हैं ना हम परीक्षा पे कोई तरह की कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। सरकार हमें कोई तरह का जवाब नहीं दे रही है ना हमें कोई तरह का उपयुक्त जवाब दे रही है कि परीक्षा आगे बढ़ाएंगे या परीक्षा हम करवाएंगे। तो हमारी मांग यही है कि हमें स्पष्ट रूप से आज शाम तक ये जवाब मिल जाए कि परीक्षा आगे होगी कि नहीं होगी, हमें भ्रमित नहीं किया जाए। और हमारी मांग यही है और पूरे राजस्थान के युवाओं की युवतियों की छात्राओं की युवा शक्ति की मांग ये है कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हमारी द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा चली थी और 1 नवंबर के बाद अब 15 जनवरी तक सिर्फ हमको 2 महीने दिए गए हैं। आप खुद सोचिए 2 महीने के अंदर एक व्याख्याता भर्ती का सिलेबस कैसे कम्प्लीट हो। मैं जैसा कि जानकारी है कि लाखों युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं जी हाँ। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आप युवाओं का क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? अगला कदम यही रहेगा कि आंदोलन जारी रहेगा हमारा और हम सरकार से यही कह सकते हैं कि वो हमेशा युवाओं के हित में कोई भी चीज़ हो युवाओं के हित में जारी करे। आज कांग्रेस की जो भी सरकार आई है वो सिर्फ युवा शक्ति के रूप में ही बाहर आई है। चौधरी है, किन मांगों के लिए प्रदर्शन करें आप, मांगे क्या आपकी? हमारी मांग ये है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाए। हमारे अभी अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, बीच में चुनाव थे इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए। अभी आरएएस मेन एग्ज़ाम है, कल 6 तारीख को सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, हम कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं? सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार बेरोजगारों के हित में अगर काम करती है तो उन्हें तिथि बढ़ानी चाहिए, नहीं तो हम आगे और चुनाव है लोकसभा के। और मैं खुद कांग्रेस से जनप्रतिनिधि हूँ और इन युवाओं के समर्थन में आई हूँ दोरीमन्ना से और सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। किस प्रकार की तिथि आगे बढ़ानी चाहिए, किस एग्जाम? कम से कम 3 महीने। किस एग्जाम की? एग्जाम कौन? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जी। कितने युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं अगर आगे नहीं बढ़ती है? कम से कम 2-3 लाख युवा प्रभावित आराम से हो रहे हैं क्योंकि वो सारे एग्जाम फाइट कर रहे हैं, वो बेरोजगार है और उनके परिवार में कई बार ऐसा भी होता है कि वो इकलौते कमाने वाले होते हैं और उनके माँ बाप उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे कुछ करें, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलेगा तो बच्चे करेंगे कहाँ से। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से तिथि आगे बढ़ाए।